तो एक तरफ पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की बड़े पैमाने पर किल्लत नजर आ रही है। एक खबर जो आज की है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले की है, जहां ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में रिसाव होने के चलते जो ऑक्सीजन उन मरीजों तक पहुंचाया जा रहा था उसकी कमी के चलते मरीजों ने दम तोड़ दिया। 22 लोगों की मौत हुई है, 32 की हालत गंभीर है, और इसी के चलते अब अलग अलग इलाकों में ऑक्सीजन जो है उसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इसके लिए शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले आए हैं सामने। सांसद राहुल शेवाले के प्रयास से मुंबई के चेंबूर इलाके में स्थित शताब्दी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसका लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो कोरोना वायरस की चपेट में हैं। आपको बता दें कि आरसीएफ कंपनी की मदद से यह ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने का फैसला शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले ने लिया है। इसी तरह दक्षिण मध्य मुंबई में अन्य कोविड-19 केंद्रों में विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते संकट में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। कई मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। अब राहुल शेवाले का यह कहना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्य सरकार भी ऑक्सीजन समस्या का हल निकालने में जुट गई है, अन्य राज्यों से ऑक्सीजन महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन की समस्या कुछ हद तक कम करने का प्रयास शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले कर रहे हैं। मुंबई के पूर्वी उपनगर के अंतर्गत आने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय शताब्दी अस्पताल के डीन डॉक्टर माने की यदि माने तो उन्होंने मनपा एम पूर्व के सहायक आयुक्त के साथ एक सामूहिक बैठक की थी, जिसमें खुद शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले मौजूद थे। शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले की यदि माने तो 2 से 3 सप्ताह में ये ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा और यहां से एक दिन में लगभग 102 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई अलग अलग इलाकों में की जाएगी, जहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज लास्ट वीक से जो दिखाई दे रहा है उस समस्या को लेते हुए और 2-3 दिन पहले शताब्दी जो विद्यालय है गोविंदी का, वहां पे भी ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ था और उस वजह से वहां के 45 जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो भविष्य में शताब्दी रुग्णालय हो या जितने भी कोविड सेंटर हो वहां पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने अभी सीएसआर फंड के लिए रिक्वेस्ट की थी आरपीएफ को, इंडियन ऑयल को, बीटीसीएल को, एचपीसीएल को, और मुझे खुशी है कि आरपीएफ ने शताब्दी रुग्णालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अभी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। 2 वीक में वो आरपीएफ की तरफ से वहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाएगा और भविष्य में जो शताब्दी हॉस्पिटल की जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज की समस्या है वो दूर हो जाएगी। बाकी जो सेंटर है जो दक्षिण मध्य लोकसभा चुनाव क्षेत्र में सोमाया है, धारावी में है।